जल्दी तैयार हो गए तुम। ओ शिट, भाई चलोगे वहां पे? ठीक कहाँ पे चलेंगे? है। चल ही रहे हैं भाई। व्हाट अ व्यू ब्रो, आज धूप भी निकला हुआ है बहुत अच्छा ना। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑन द स्टॉर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आज नोएडा में तीसरा दिन है और आज बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा जगह घूमने का सोच रखे हैं, लेकिन ऐसा मतलब बहुत देर तक सोने की वजह से टाइम 1:45 का हो चुका है और अभी हम उठे हैं सो करके 1 घंटे पहले। तो अभी जानते हो आप, ग्रेटर नोएडा में हम हैं, तो यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कई सारे मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज करना पड़ेगा, इनऑल करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, सबसे पहली जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है वो होने वाली है, सबसे पहले हम जिस जगह जाने वाले हैं वो है रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, आप सभी लोग जानते होंगे, तो उसे आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। लाइफ में इससे पहले मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे, इसलिए थोड़ा बहुत मन में था। और वहीं पास से लगता हुआ चांदनी चौक भी हम जहाँ तक एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ तक। और मुझे वहाँ पर अपने लिए एक थोड़ा सा एक सामान भी लेना है, फ़ोन के लिए स्टैंड लेना है, तो वो भी वहाँ पर हम परचेज करेंगे। और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले यहाँ से परी चौक, और परी चौक से चलेंगे नियर बाई DMRC का मेट्रो स्टेशन, जिसके बाद हम लाल किला चलेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो परी चौक से 25 किलोमीटर की दूरी सिटी बस से तय करके हम पहुंचे बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, जिसकी वजह से हम बहुत देर तक टोकन की एक लंबी सी लाइन में खड़े रहे। टोकन मिलने के बाद हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, थोड़ी देर में हमारी रंग बिरंगी मेट्रो आई। पहले तो देख के बहुत दुख हुआ कि इन पोस्टर्स की वजह से शायद हम बाहर के सीन्स रिकॉर्ड ना कर पाएँ और ना देख कर इंजॉय कर पाएँ। खैर ये मेरा भ्रम था, क्योंकि थोड़े ग्रेन्स के साथ चीज़ें दिख रही थी। Although we have reached here, but I don't love actually Delhi's traffic, because देख रहे हो ना भाई, इतना ज्यादा जाम, कहीं भी पहुंच जाओ जाम 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 है कि नहीं? तो जाम तो होगा ही। अभी हमको लाल किला दिख रहा है यहाँ से बहुत दूर, आपको दिखाते हैं। वहां तक चुके हैं लाल किला के पास, आप दीवार देख सकते हो यहाँ पे, दिखा दो आप, और बहुत मस्त व्यू अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं, बहुत ज्यादा एकदम जो आप टीवीओ में देखते हैं, अनदर वॉलपेपर्स में जो आप व्यू देखते हैं, वही व्यू एग्जैक्ट मैं आपको अपने वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करो बस। ये क्या हो गया भाई, कितने किलोमीटर से आ रहे हो? इतनी खराब किस्मत तो भी सोचा नहीं था भाई, किस्मत का पूरा फोकस हमारे ऊपर है। भैया खोल दो, बस 15 मिनट के लिए खोल दो यार। लाल किला पहुंचने के बाद वहां का एक्सपीरियंस तो एकदम डम था, क्योंकि वहां बैरिकेडिंग हो रखी थी, अंदर जाने का कोई भी साधन नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम लाल किला के जस्ट सामने सिचुएटेड चांदनी चौक मार्केट जाएंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने भाई से पूछा, भाई को तो हाँ करना ही था, भाई दबी ये प्लान हमने पहले ही बना रखा था कि हमें चांदनी चौक जाना है। फिर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था सामने स्थित रोड को क्रॉस करना। तैयार है ये रोड क्रॉस करने के लिए? सही तो जहाँ पर क्रॉस हमने कर दिखाया ब्रो। सो एज वी आर एंटरिंग इन चांदनी चौक, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ड इन 17th century बाई मुगल एम्पायर शाहजहां। चांदनी चौक नाउ सेल्स सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड अवेलेबल इन आवर कंट्री। I know there is a question in your mind, how Chandni Chowk got its name. The water in the pool at the center of the market reflected the moonlight and glowed in the entire surrounding. That's how Chandni Chowk got its name. The chowk was also an important thoroughfare and elaborate royal processions were a common sight. Samajh mein aa raha hoga na matlab? Jaise maine kaha samajh mein aa raha hoga na matlab, that I'm not doing flex, okay?
जैसे अभी मुझे ना लोग धीरे धीरे फॉरेन में भी देखना शुरू कर रहे हैं, थोड़े बहुत लोग ही हैं लेकिन वो देख रहे हैं, तो ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ करूँगा तब ना उन्हें समझ में आएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रो कर लें, और हिंदी भी तो बोल रहा हूँ ना, इंग्लिश थोड़ी बहुत, थोड़ी सी। तो चांदनी चौक की सबसे स्पेसिफिक लोकेशन पर हम पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माँ की आंख आज के चला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे पुरानी, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इंडिया की ब्रांच यहीं पर है। आपको मैं दिखाता हूं अच्छे से, लगभग 25% चांदनी चौक एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, वहां के सीन्स देखिए। गुरुद्वारा जाने के बाद सबसे पहले हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक मार्केट की गलियों में। भाई ये गलियां इतनी ज़्यादा पतली थी और इतनी ज़्यादा लंबी थी, लगभग आधे घंटे में इसमें ट्रैवल करते रह गए और मुझे उजाला ही नहीं दिखा, मतलब धूप और उजाला दिखने का, आसमान दिखने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम इसमें फंस चुके थे, पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। आप लोग भी जाएं तो प्रॉपर एक गाइड लेकर के जाएं, मैं तो बोलूँगा कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो बहुत ज़्यादा दुकानें, बहुत लंबी गलियाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस मैं वैसे बयान नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लो। निकलते बहुत देर होगी। बाय द वे, जब हम जाकर के पहुंचे ए सिटी सन्स पे, जहाँ हमें एक ट्राईपॉड लेना था, हमने ट्राईपॉड खरीदा, इसकी अनबॉक्सिंग मैं बाद में आपको करके दिखा दूंगा। मज़ा आया। भाई यहाँ पे चोरी का माल बेच रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई ट्राईपॉड बेच रहा है फ्री, 10 रुपए कितने का है भाई? ट्राईपॉड ले लो 10 रुपए के। फिर खूब सारा घूमने के बाद वापस से हम आकर अपने मेट्रो पर बैठे। हमने इस बार बोर्डिंग की ओल्ड दिल्ली मेट्रो स्टेशन से, बाकी सेम रूट था तो दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। हाँ एक चीज़ थी, वो थी अक्षरधाम मंदिर का नाइट व्यू, वो अब आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। वो एक्चुअली कैमरा क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है तो शायद आप फील ना कर पा रहे हों, बाकी सीन्स तो एकदम ज़बरदस्त थे, अगर आप देखते ना तो दिल आपका गार्डन हो जाता। भाई इतने पानी के भरे शूज़ खराब हो जाएंगे भाई पक्के, बड़ी रोड थी ना भाई। काफी तेज बारिश के बीच हमने डिवोट किया बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर। घर पहुंचने की जल्दी थी तो तेज रफ्तार में पहुंच गए नियर बाई बस स्टॉप पर। भूख बहुत ज्यादा तेज लगी थी, एनर्जी एकदम कम हो चुकी थी, तो एक स्टिंग तो बनता था तो वो भी पिया गया। फिर एक लंबे इंतजार के बाद बस मिली और परी चौक पहुंच गए हम। परी चौक पहुंचने के बाद हमने स्ट्रीट फूड्स के नाम पर चिकन मोमोज ट्राई किए। और एकदम चेहरा उतर सा गया भाई, क्योंकि जिस जगह पे सोचे थे ना घूम नहीं पाए और बहुत लोगों से मिले मिले भी, तो बहुत ज़्यादा मजा आया। तो बाकी आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखें, थैंक यू सो मच फॉर देखिए, थैंक यू सो मच फॉर सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय।